नया दिन आज की नई शुरुआत। दुबई शारजाह एग्जिट, ट्रैफिक है डेली का ही, क्या करें। और सुनाओ कैसे हो? चल, बहुत बहुत शुक्रिया 100 सब्सक्राइबर्स के लिए, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अप्रोच करते रहो, मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो फिर भी लाइक करो। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान माशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन जा रहे हैं, सबके रोज़े अच्छे से जा रहे हैं, घर में भी माशाल्लाह सबके रोज़े अच्छे से जा रहे हैं और इफ्तारी वगैरह भी बन रही है। पीछे मैंने एक वीडियोस डाले थे, ज़्यादा वीडियोस मैंने इफ्तारी के डाले नहीं, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप पकाते हुए वीडियोस डालो। मीन्स इफ्तारी के टाइम पर इतनी बिजी रहते हैं आप, देखो तो ऑफिस से आओ, फिर ऑफिस के बाद में सब प्रिपेयर करो, फिर बनाओ करो। मैं मेरी सास है माशाल्लाह माशाल्लाह मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, उनकी बहुत हेल्प है मुझे कि सब मैं अगर रेडी करके दूँ तो जो बनाना है, जैसे समोसे बनाना है या रोल बनाना है या पेटीज बनाना है, ये सारी टिक्कियाँ वो बना कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। 100% उनकी भी मुझे हेल्प होती है, लेकिन फिर भी तलने वगैरह के लिए तो देखो टाइम लगता है। ये भी घर में अगर फैमिली है तो हर चीज़ हम लोगों को लगती है, इबादत के साथ में घर का भी ख्याल करना पड़ता है। तो सारे बनाने में इतना बिजी रहते ना कि उस दौरान ना कुछ याद ही नहीं रहता है कि यार चलो वीडियो शूट कर लो, चलो ये दिखा दो, चलो वो दिखा दो, है ना। इस वजह से नहीं हो पाता, और कोई बात नहीं है। सारे लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग बनाते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं बनाते माशाल्लाह, और सभी लोग टेस्टी ही बनाते हैं। सबके घर में प्यार जब खाने में पड़ता है ना तो अपने आप ही टेस्टी हो ही जाता है, सही है कि नहीं। हर एक के घर वाले प्यार से जब बनाते ना तो उसमें एक अलग सी बात आ जाती है, जो हमारे तुम्हारे बनाने में वो लोग सीख कर नहीं कर सकते, उनका एक अपना ही एक फ्यूजन होता है प्यार वाला। तो प्यार वाला फ्यूजन उस डिश में पड़ता है ना तो ऑटोमेटिकली डिश में ना एक अलग सा स्वाद आ जाता है, जो किसी भी रेस्टोरेंट या किसी और के घर के खाने में नहीं आएगा। जो अपने लोगों ने बनाया है उतने प्यार से उस खाने में आएगा। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से? उम्मीद करती हूँ ऑलमोस्ट करते ही होंगे सब लोग, कुछ लोग हैं जो नहीं भी करते हैं। फिर भी कोशिश करूँगी बीच में एक रमज़ान में एक आध वीडियो बनाने के लिए पकाते हुए। सुनो, कुछ कुछ मैं वीडियो ऐसे डालती हूँ ना जब मैं कहती हूँ कि नहीं यार अभी की लड़क घर में सॉल्व होनी चाहिए, हर चीज़ सॉल्व घर में ही होनी चाहिए, जिसमें सॉल्ट है वो घर पे ही सॉल्व होनी चाहिए, तभी उसमें मज़ा है ना। पब्लिक के सामने सॉल्व होना गलत बात है, अपनी लाइफ को खुद ही एक ओपन बुक बना कर लोगों के सामने जाहिर करना बहुत गलत, और बाद में दूसरों को ब्लेम करना, ठीक है ना, तुमने मेरे हस्बैंड का औजार बना लिया, तुमने शुरुआत की ना तभी तो लोगों ने उसके मज़े उठाए, वरना अगर तुम शुरुआत ही नहीं करते तो लोग उसका मज़ा उठाते ही नहीं ना, सही है ना। जब मैंने ये वीडियो डाला ना तो उनको बहुत बुरा लगा, वो तो मुझे बोले फ़ोन करके कि आपने ऐसे क्यों बोला। मैंने कहा देखो आप हर चीज़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बोल रहे हो तो मैं भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको बता रही हूँ, मैंने ना ही आपका नाम लिया ना ही मैंने कुछ बोला, बट एक सजेशन आपको, एक सजेशन देते हुए अगर वो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। देखो किसी का घर बसे ना बहुत खुशी की बात है, तुमने एक ऐसे उम्र में शादी की ना, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। पता है इस उम्र में 55-60 की उम्र में जल्दी करके कोई शादी करता नहीं, अगर जब तुमने की है ना उसकी बहुत खुशी। उस टाइम में भी मैंने अप्रोच किया था आपको, आपने बहुत अच्छा किया,
बहुत ही अच्छा किया, एक हमसफर होना बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए हर एज में हमारा, अगर हमारे पास एक अपना हमसफर होना ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन ये नहीं यार कि तुम इतने वक्त ऐसे ऐसे इतने खुश दिखाई दे रहे थे, या तो फिर तुम वो झूठ बता रहे हो या ये झूठ बता रहे हो, चाहिए ना। कितने हम लोगों ने ऐसे नहीं सोचा आपके बारे में, आप तो इतना नकाब पे अबाया पहनते हो, इतना मीन्स ये करते हो, फिर भी आपने ऐसे। मैंने कहा देखो मेरे अबाये पहनने में नहीं पहनने की कोई बात नहीं है, ये मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक प्रिंसेस हूँ, ठीक है ना। प्रिंसेस मीन्स पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमेशा औरतें ना ढक के भी अच्छी लगती हैं, ना कि खुले में। और प्रिंसेस को हर कोई ऐसा छू नहीं सकता है, हर कोई ताड़ नहीं सकता है, ठीक है। वैसे हम लोग इस्लाम में एक प्रिंसेस, इस्लाम की प्रिंसेस, जिसे ना हर कोई में ताड़ सकता है एक्सरे मशीन की तरह, ना ही हर कोई हमें छू सकता है, सही है। इसलिए अबाया पहनना बहुत अच्छी बात है और हर 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 औरतों को पहनना चाहिए, चाहे लड़की हो, हर एक लड़की को पहनना चाहिए। उसकी वो उसकी अपनी खूबसूरती बढ़ाती है, पता है। कवरअप रहना एक खूबसूरती, अपने में खूबसूरती बढ़ाने का बेहतरीन ये है, और लोगों की गंदी नज़रों से बचने का भी बहुत अच्छा तरीका है। कौन कौन मानता है इस बात, मानते हो नहीं मानते? कैसे भी कलर का अबाया पहनो, जरूरी नहीं है तुम्हें ब्लैक ही पहनना है, ब्लू पहनो, वाइट पहनो, हर कलर जायज है हमारे इस्लाम में। इस्लाम में हर कलर पहन सकते हो, तुम्हें जो कलर पसंद आता है वो पहनो, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि तुम ये नहीं पहनना है, तुम जैसा कलर, जैसा भी कलर तुम्हें पसंद है पहनो। कलर तो हमारे लिए अल्लाह ने बनाया ना, कुदरती कलर बनाया। देखो अल्लाह ने हर चीज़ हम लोगों को दुनिया में दिखाया है, ये कलर है, ये कलर है, इंसान की सोच के परे भी कलर है, तो हमारे लिए बनाया ना, हमारे को बताने के लिए बनाया है, एक एग्जाम्पल देने के लिए बनाया है। देखो ये सारे कलर छूटे हैं ना, सही है, जैसा कलर चाहिए वैसे कलर का अबाया पहनो, मुश्किल नहीं है, हर कलर सूट होता है, बट अबाया पहनो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार आप लोग स्कार्फ पहनते हो, आप अबाया पहनो, आपको गर्मी नहीं होती? क्यों गर्मी होगी भाई, कपड़े पहनने से किसको गर्मी होती है? पर अच्छा भर के कपड़े पहनने से तो बिल्कुल गर्मी नहीं होती है, अल्लाह को भी पता है ना कितनी गर्मी इंसान को बर्दाश्त करनी है, उतनी ही गर्मी वो देता है ना, उससे ज़्यादा तो वो नहीं देता है, चाहे वो इतनी परेशानी हो चाहे खुशी हो, कुछ भी हो, अल्लाह को हर चीज़ पता है यार, जिसने हमें बनाया है उसे हमारे बारे में हर चीज़ पता है। गर्मी है, क्या गर्मी है, देखो यहाँ पर मैं 35-40 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है अभी, आस्ते आस्ते अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ेगा, 50 डिग्री तक भी जाएगा, लेकिन क्या पाया पहनना छोड़ देंगे? बगैर एसी के गाड़ी चला रही हूँ, शीशा भी खुला है, देखो शीशा खुला रख के गाड़ी चला रही हूँ, कोई गर्मी नहीं है, सब सही है। ऐसी बात नहीं है यार, हमेशा हर चीज नहीं करने का एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढा करो कि यार हमें ये नहीं करना है तो इसके लिए हमें एक्सक्यूज ढूंढते हैं, कहते नहीं पर्दे में बांध के रखते हैं ये करके। क्यों भाई पर्दे में बांध के रखते हैं? हमारा दिन तो हमें बिजनेस करना सिखाया है, एक औरत को बिजनेस करना हमारे दिन की माँ ने हमें सिखाया है, और क्या चाहिए। अल्लाह ने बोला है एक औरत अगर पढ़ लिख जाए तो एक पूरा खानदान पढ़ लिख जाता है, क्या क्या बड़ी बात है, सोचो ना, एक औरत का पढ़ना पूरा एक खानदान के पढ़ने के बराबर, एक खानदान, एक नस्ल, पढ़ी लिखी नस्ल तैयार हो जाती है।
तो क्या हमें वो बांध के रखा है? नहीं, हमें जिस फील्ड में जाना है जा सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन हमें पता होनी चाहिए, हर इंसान को अपनी लिमिटेशन पता होनी ही चाहिए। आज़ादी मिली है उसका मतलब ये नहीं जो जी चाहे जैसा जी चाहे वैसा करो, अपने घर वालों का नाम खराब करो, लोगों को मजाक, लोगों के सामने उनका मजाक बनने का एक ये हो जाए, नहीं ना। आज़ादी मिली, आज़ादी का भरपूर लाभ उठाओ, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ, एक लिमिट के साथ। हर लड़की को ये सोचना चाहिए और ऐसा ही करना भी चाहिए। आज़ादी सबको है, अल्लाह ने आज़ादी सबको दी है, नहीं दी ऐसी बात नहीं है। उसके अपने फैमिली वालों ने भी आज़ादी दी है, उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना, गलत फ़ायदा उठाकर अपने खानदान का नाम, अपने घर वालों का नाम नहीं खराब, बुलंदी पे लेके जाओ उनका नाम। कोशिश करूँगी आज जब मैं किचन में जाऊँगी ना, तो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि मैं क्या क्या पका रही हूँ। अल्लाह ने ये महीने में ऐसी बरकत दी है ना, गैप से इंसान के पास आ जाती है चीज़, किसी का दस्तरखान खाली नहीं जाता। ये एक महीना है ना, बाबरकती महीना है। सब महीनों में अफजल महीना बरकत, इतनी बरकत, अलग ही रौनक हो जाती है, पता है, अलग सी रौनक, अलग ही बात है, कंपेयर ही नहीं है इस महीने का किसी महीने के साथ, अलग सी बात है, एक अलग एक्सपीरियंस लाइफ का। कितना भी ट्रैफिक से बचो ना, ट्रैफिक तो आ ही जाते हैं। और सुनो, सुबह सुबह कहते ये लेडी आ जाती है हम लोगों से बात करने के लिए। मैं कहती चलो ड्राइव करते करते सबसे बात भी करती रहूँ, थोड़ी गुफ्तगू भी हो जाए, थोड़े आइडियाज़ एक्सचेंज हो जाए। मैंने कहा था दो दिन पहले, मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने कहा, मैंने बोला था कि यार जेवर आदमियों को अच्छे नहीं लगते, जेवर बनाए गए औरतों के लिए, औरतें पहननी चाहिए जेवर, जी भर के पहनो, जितना पहनना है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना जेवर पहनना है पहनो औरतों के लिए, तो औरतों की खूबसूरती बढ़ाता है जेवर, पता है, मर्दों की खूबसूरती नहीं बढ़ाता है। मर्द अजीब से लगते हैं जेवर पहनने में, और जेवर पता है मर्द, औरतों के, देखो औरतों के लिए खूबसूरती है तो मर्दों के लिए अजाब है। और ख़ास हमारे मुसलमान भाई जो दीन के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, अच्छी जानकारी, हर चीज़ पता है कि नहीं यार क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो ऐसे भर भर के औरतों की तरह जेवर पहनते, इतना बुरा लगता है ना देख के कि क्यों ऐसा कर रहे हो आप, नहीं करो यार आपकी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको इताअत दी है, तो क्या जेवर पहन के दिखाओगे तभी पता चलेगा कि नहीं यार आपका वसब है? जरूरी नहीं है जेवर पहन के ही आप बताओ कि हमारा वसब है। क्या हमारे हुजूर ने जेवर पहना? नहीं ना, मिसाल है ना, है ना, दुनिया के लिए मिसाल है, बस।
लोगों को पिनाओ, जितना पिना सको पिनाओ, तुम्हारे भी जेवर उनको ही पिना लो। देखो बट दिखावा नहीं है कि भाई कहीं जा रहे हो तो पहन रहे हो, नहीं तो नहीं पहन रहे हो। और 100 सब्सक्राइबर तक का पहुंचाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरा टिकटॉक पे भी एक ये है, चैनल है, और एक इंस्टा पे भी है, सबिया पटेल के नाम पर ही है, उसे भी फॉलो करो, लाइक करो, अच्छी अच्छी बातें शेयर करो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, ठीक है ना। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, फिर किसी नई जगह, फिर किसी और रास्ते, मुसाफिरों की तरह ड्राइव करते हुए। तब तक अल्लाह हाफिज़। सबका आज रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जाए, सब अच्छी अच्छी इफ्तारी बनाए, और सब जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दुआ करो, ठीक है, और मेरे बेटे के लिए ख़ास, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करो। मेरे बेटे का नाम है नवेद, उसके लिए ख़ास, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, एक अच्छा दीनदार इंसान बनने के लिए दुआ करना, सबसे एक रिक्वेस्ट है।